मामूली सड़क हादसे के बाद ऑटो चालक से सरेआम ऐसी मारपीट की गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। जो भी ऑटो चालक को बचाने गया, गुंडों ने गालियां देकर उन्हें भी धमकाया। इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में तालीमारी नहीं, कानून का राज चलेगा। गुंडागर्दी का यह वीडियो जबलपुर से सामने आया है। मामला आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोभापुर का है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिसने भी ये देखा, देखने वाले की रोंगटे खड़े हो गए। मामले को तूल पकड़ते ही पुलिस ने दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो चालक को बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा गया। बेहोशी की हालत में सेंटिंग की प्लेटें उस पर पटक दी गईं। ऑटो चालक को उठा उठा कर सड़क पर पटका गया। उसके बाद बाइक पर उल्टा लाद कर हमलावर उसे थाने तक ले गए। वायरल वीडियो पर सोमवार को नजर पड़ते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और कहा, मध्य प्रदेश में कानून का राज चलेगा, तालिबान का नहीं। हार्डक से निकला अपने घर के लिए, ब्रिज मोड़ पड़ता है, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी किनारे लेके जा रहा था और उनकी गाड़ी डायरेक्ट ऐसा मोड़ में इंसान को मत ही चलाना चाहिए, वो फास्ट एकदम जा रहे थे। अपनी गाड़ी जितनी दबाया इतनी दबाई, गाड़ी भी मेरी किनारे ही पड़ी थी, कोई बीच रोड में भी नहीं पड़ी थी। और उसके बाद मेरे को बस गाड़ी से निकाले, बस मारना चालू कर दिया। लेडीज थी, भगवान जाने उनका कौन था कौन नहीं था। बस 2 मिनट नहीं लगा, उन लोग आए भाड़ा भर कार से आए, कोई बाइक से आए, सब मारने लगे। मेरे को ये भी नहीं पूछे कि क्या दिक्कत, क्या कैसे हो गया, कुछ नहीं। कार्रवाई कर दी है, कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी, न पठानी ब्याज चलेगा, यहाँ कानून का राज चलेगा। वायरल हुए वीडियो के बाद कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ट्वीट कर ऑटो रिक्शा चालक को इलाज के लिए 10,000 रुपए देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, कौन है यह दो दरिंदे, इस तरह से ऑटो चालक या किसी को भी मारने का अधिकार इन युवकों को किसने दिया? दुर्घटना होने पर भी ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं, यह छूट गुंडागर्दी है। मेरी तरफ से ऑटो रिक्शा चालक को 10,000 रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे। गुंडे बिना नंबर की बाइक व कार पर सवार होकर पहुंचे थे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।